जैसा कि तमाम लोगों को जानकारी होगी कि पिछले करीब करीब 3 महीने से जो मणिपुर के अंदर जो घटना घटित हो रही है और लगातार सरकार उस वायलेशन को रोकने के लिए जो वहां पे हिंसा हो रही है ऐसा बढ़ रही है। कितनी फोटो खींचोगे साथियों कुछ पीछे का स्टेटस के बारे में सोचा जाए, लेकिन बात सिर्फ ये नहीं है, बात पिछली जनवरी से ही है। जनवरी के बाद फरवरी के बाद जो गैर कानूनी जो वो थे उसके नाम पर निर्माण किए गए, जबकि 20-20 साल पुराने वहाँ पे कट्टे हैं, बहुत सारी चर्च तोड़ी गई, बहुत सारे मकान तोड़े गए, करीब करीब 10,000 के आसपास लोगों को इधर उधर किया गया वहाँ पर नेम ऑफ द नाम पर। जिस तरह से दमन एक सरकार ने चलाया है, हम सारे वकील भाई ऑल इंडिया लॉयर्स यूनियन की तरफ से और बिरादरी जो हमारी एडवोकेट कम्युनिटी है, ये हमारा फर्ज है कि जो इस तरह के अत्याचार, और देखिए जिस तरह से आपने देखा होगा 3 तारीख को वहाँ पे एक मार्च निकलता है एकता के जो ट्राइबल लोग थे, उस मार्च के बाद जो वहाँ पे टंडा हुआ है, जिस तरह से वहाँ पे क्योंकि तो पुलिस को नहीं है जो अथॉरिटी थी कोई भी उसको कोई वो नहीं दिया गया, वहाँ पर कोई भी आदेश नहीं दिया गया। मणिपुर सरकार डाउन डाउन मणिपुर सरकार डाउन डाउन। ऑल इंडिया लॉयर्स यूनियन जिंदाबाद। ऑल इंडिया लॉयर्स यूनियन जिंदाबाद। मणिपुर महिलाओं के ऊपर अत्याचार बंद करो बंद करो बंद करो। मणिपुर महिलाओं के ऊपर अत्याचार बंद करो बंद करो बंद करो। मणिपुर महिलाओं पर अत्याचार बंद करो बंद करो बंद करो। बर्खास्त करो मणिपुर सरकार, बर्खास्त करो बर्खास्त करो बर्खास्त करो। महिलाओं पर जोर जुल्म नहीं चलेगा नहीं चलेगा नहीं चलेगा। महिलाओं पर जोर जुल्म नहीं चलेगा नहीं चलेगा नहीं चलेगा। नरेंद्र मोदी खत्म करो शर्म करो शर्म करो। नरेंद्र मोदी खत्म करो शर्म करो शर्म करो। सुनील कुमार हमारा एक संगठन है ऑल इंडिया लेवल पर, ऑल इंडिया लॉयर्स यूनियन, और भी हमारे साथी हैं दूसरे ऑर्गेनाइजेशन से भी आए हैं जो वकीलों के संगठन हैं। ऑल इंडिया लॉयर्स यूनियन दिल्ली के अलावा तमाम इंडिया के जितने भी स्टेट हैं सब में काम करता है, और जब भी इस तरह के दमनकारी नीति कोई भी होती है, क्या कोई भी दमन होता है या ऐसे कानून बनाए जाते हैं, तो हमारा फर्ज है बींग एडवोकेट हम उस पर आज हम आए हैं मणिपुर के इशू को लेकर। आप देखिए जिस तरह से जो वीडियो सर्कुलेट हुई है, जिस तरह से महिलाओं को नंगा करके जिस तरह से बेइज्जती किया जा रहा है, उनकी अस्मिता को एकदम तार तार किया जा रहा है, ये एक बहुत ही बेशर्म वाली घटना है और सरकार टोटल सरकार का फेलियर है। ऐसा लगता है कि कहीं 2002 की वो रिपीट हो रहा है यहाँ पर, जिस तरह से 2002 में जिस तरह से खुली छूट दी गई, उसी तरह से ऐसा लग रहा है कि मणिपुर में भी लोगों को एक विशेष लोगों को खुली छूट दी गई है। लोग मार रहे हैं, लोग घर जला रहे हैं, लोग जो है महिलाओं का रेप कर रहे हैं, नंगा घुमा रहे हैं, ये क्या हो रहा है ये? और डिमांड है हमारी कि ये जो सरकार है इसको तुरंत इस्तीफा देना चाहिए, राज्यपाल को इस्तीफा देना चाहिए और मुख्यमंत्री ये प्राइम मिनिस्टर को और होम मिनिस्टर को जो है इसमें हस्तक्षेप करना चाहिए। और ये बड़े शर्म की बात है, लगभग 3 महीने हो रहे हैं, 3 महीने में एक भी स्टेटमेंट नहीं आता पीएम का, जबकि छोटी छोटी चीजों पे किसी की शादी होती है, किसी का जन्मदिन होता है तो साहब जो है वो ट्वीट करते हैं तुरंत एकदम मैसेज देते हैं, लेकिन यहाँ पर सरकार का फेलियर है, ये टोटल फेलियर ऑफ गवर्नमेंट है टोटल, ये बहुत 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 एकदम ये टोटल फेलियर है सरकार का, और सरकार को तुरंत इस्तीफा देना चाहिए, शर्म आनी चाहिए सरकार को इसमें, और सोचना चाहिए भाई क्या हो रहा है वहाँ पे, लोगों को घर से जलाया जा रहा, लोगों को घर मारा जा रहा, 200 से ऊपर लोग हत्याएं हो चुकी हैं, महिलाओं की इज्जत लूट रही है, और आप क्या कर रहे हो आप ये देखिए। और कुल 16% भी नहीं होंगे मेरे ख्याल से जो एक विशेष कम्युनिटी के ऊपर जो इस तरह का हो रहा है ये, और जो और अभी तक उनके कोई अरेस्टिंग नहीं है, 0 FIR दर्ज होती है, 0 FIR, जबकि वीडियो में क्लियर कट उनके चेहरे देखे जा सकते हैं, उनको आइडेंटिफाई किया जा सकता है। तो ऐसा लगता है कहीं ना कहीं इनके पीछे सरकार या स्टेट का हाथ है जो इनको खुली छूट दे रही है, इसका हम एकदम सरासर विरोध करते हैं, कंडम करते हैं, ऐसी घटनाएं बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। और वकील बिरादरी जो है, हम वकालत से पैसा रखते हैं, हम जो भी हमसे संभव कदम होगा, चाहे वो डेमोस्ट्रेशन हो, चाहे वो लीगल तरीके से हमें फाइट करनी हो, हम लगातार इस इशू पर फाइट करेंगे और करते रहेंगे इस पर जब तक ये खत्म नहीं होता।